स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल H2T में। आज के शो साइंस थर्सडे में हम बात करेंगे ओमनी प्रोसेसर वाटर प्लांट के बारे में। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ह्यूमंस बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल वेस्ट क्रिएट करते हैं। हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म काफ़ी हाई इंटेंसिटी है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा पूप करते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब इसको अगर टन में नापें तो एक दो आदमी में ही आप एक दो टन का वेस्ट क्रिएट हो जाएगा कुछ दिन के अंदर। तो आप समझिए अमाउंट जो है इसका बहुत ज़्यादा है। अब इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि 50% ह्यूमैनिटी यानी कि पूरे पृथ्वी में 50% लोगों के पास सुएज सिस्टम नहीं है। सिस्टम यानी कि जिस पर प्रॉपर से टैंक मतलब प्लम्बिंग सिस्टम है कि वो कहीं जाता है वहाँ उसको ढंग से डिस्पोज किया जाता है। ऐसा नहीं कि बस पाइप है और मतलब उसको कहीं ले जाके छोड़ दे रहे, क्योंकि ये समझिए ये पैथोजन ब्रीडिंग ग्राउंड है। जो बीच में आप रिसेंटली कुछ दिन पहले इबोला आउटब्रेक हुआ था या इस तरह के पैथोजन आउटकम्स होते हैं, ये सब का एक बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट कारण होता है कि मतलब वाटर कंटामिनेट है। तो वाटर कंटामिनेट पैथोजन से हो रहा है यानी बायोलॉजी खराब हो रहा है। बायोलॉजी खराब कहाँ से हो रहा है? क्योंकि ह्यूमन फीसिस आपका पानी से टच कर जा रहा है। तो इसीलिए समझना ज़रूरी है कि इसको हैंडल करना ज़रूरी है। ये सर्वाइवल मतलब लग्जरी नहीं है, कंपलसरी है, नहीं तो आप ऊपर चले जाओगे। और ऐसा होता है कि कई बार मतलब वाटर कॉजेस डिजीज़ के चलते कई हज़ार लोग ऊपर चले जाते हैं, और मतलब सालाना मतलब 50-60 हज़ार बच्चे लोग तो मतलब फ्री फंड का ऊपर जाते हैं। तो ये समझिए। और इसका वर्स्ट केस सिनेरियो कि जैसे मान लीजिए कई टाउन लोग ये करते हैं कि ठीक है मतलब कहने को तो सुएज सिस्टम बना दिए और उसको कहीं डंप कर दे रहे हैं, बस ठीक है ले जाके डंप कर दे रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर उसको आप प्रोसेस नहीं कर रहे और डंप किए जा रहे हैं तो कई बार कंटेमिनेंट्स ग्राउंड वाटर के साथ मिक्स हो जाता है। और जब ये हुआ काम खत्म, तब मतलब आप बोरिंग करके निकालिए, तब तक मतलब सबके पास आरओ प्योरीफायर नहीं है, तब तक उसका कुछ किया नहीं जा सकता। तो इसीलिए समझिए कि ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन भी हो सकता है इससे। तो ऐसा नहीं कि इसको बस आप लीजिए और इग्नोर कर दीजिए, इसको आपको हैंडल करना ज़रूरी है। तो अगर ये इतना ज़रूरी चीज़ है कि बिना इसके लोग मर जाएंगे और अगर इसको कहीं इग्नोर किए तो सबका ग्राउंड वाटर कंटामिनेट हो जाएगा, तो हर कोई इस पर पैसा क्यों नहीं खर्च करता? पहला ये समझ कीजिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है इसको ठीक करने के लिए। कुछ लोग काफ़ी लोग नया नया डिज़ाइन बना रहे, नए नए प्लान्स बना रहे जहाँ पर ये ठीक से किया जा सके, लेकिन अगर कोई इसका दाम आपको सीधे सीधे बता दे आपका दिमाग उड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा महंगा होता है। पहला तो वो हो गया। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए, मान लीजिए पैसा था आपके पास, ठीक है आपने मतलब कोई आपने डोनेशन ले लिया या कोई लोन उठा लिया, उसके बाद भी ये समझना था कि पैसा नहीं है, ठीक है आप पैसा लिए ज़मीन लिए काम खत्म। इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है कि मतलब कितने चीज़ लगेंगे, कितने लोग लगेंगे इसको मेंटेन करने के, कितना फजीहत होगा, ये बहुत ज़्यादा होता है। ये कॉम्प्लेक्स है, मतलब इंजीनियर्स चाहिए आपको प्लांट के आसपास, तभी जाके काम कर पाएगा। और फिर ये मनी लूजिंग भी है। तो ये मतलब फाइनल होता है कि मतलब अगर आप लोन उठा के बना भी लो और फजीहत मैनेज भी कर लो कि इंजीनियर के ऊपर इंजीनियर रख ले रहे हो, बात ये होगा कि वो पैसा कभी आपको वापस आएगा नहीं, वो पैसा खत्म हो गया। तो जैसे मान लीजिए अमीर देश है, जैसे अमेरिका हुआ या दुबई हुआ, ये लोग अफोर्ड कर सकते हैं कि बना लिए हैं प्लांट ठीक है, लेकिन अगर जैसे आप मुंबई का स्लम एरिया हुआ, वहाँ इतना पैसा है ही नहीं कि ये सब का मनी लूजिंग एनवायरनमेंट पे वो काम कर सकें। कि मान लीजिए आप गवर्नमेंट ने किसी तरह मेहनत करके दे भी दिया कि लो भैया ये प्लांट है इसको चलाओ, हर साल जो उसका बिल आते जाएगा तो उस कारण से लोग बंद कर देते हैं। इसी कारण से ये उतना मतलब सुएज ट्रीटमेंट उतना सीरियसली नहीं लिया जाता, खास करके ह्यूमन फीसिस के मामले में। तो फिर ये आते हैं बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स, इन्होंने एक फाउंडेशन बनाया है, बिल मेलिंडा फाउंडेशन। तो वो फाउंडेशन ने काफ़ी मतलब रिसर्च किया, मेहनत किया और उन्होंने एक सिस्टम बनाया, मतलब इन दोनों ने नहीं बनाया, मतलब इंजीनियर्स आके बनाया, उसका नाम दिया गया है ओमनी प्रोसेसर। और इसका ये बात है मतलब एक बड़ा सा प्लांट है और ये बहुत बड़ा नहीं है। आप ये समझिए कि मतलब आप ये अगर प्लांट देख रहे हैं तो समझिए 3-4 कंटेनर शिप जो है, बड़ा बड़ा कंटेनर शिप के साइज़ का, मतलब ये बहुत बड़ा नहीं है कि मतलब हाँ कई सौ हेक्टेयर में खाएगा, बहुत छोटा है रिलेटिवली स्पीकिंग। और इसका मेन एडवांटेज ये है कि मतलब एकदम इंजीनियरिंग वाइज आप देखें तो ये सिंपल है, कोई ज़्यादा हूहा नहीं है, एकदम सिंपल चीज़ है। प्लस चलो सिंपल तो आप बना भी लिए, बात यह है कि ये पैसा बना सकता है। कि मान लीजिए आपने जितना भी लोन उठाया इसके लिए, आपके पास कुछ उम्मीद रहेगा कि आप इसको दे पाएंगे वापस। तो ये समझिए ये काफ़ी बड़ा मतलब अचीवमेंट है ये जो ये कर पाए। और चूंकि ये जो पूरा प्लांट बनाने का जो खर्चा मतलब R&D खर्चा है वो ये लोग संभाल चुके हैं, तो अब बचा है सिर्फ प्लांट। तो अब बात करते हैं कि ये प्लांट काम कैसे करता है, ये कैसा हुआ है। यहाँ पे आप ये समझिए यहाँ पे 3 स्टेप हो रहा है। सबसे पहला स्टेप है ड्राई इट, सुखा रहे। दूसरा स्टेप है बर्न इट, उसको जला रहे। तीसरा स्टेप है रिक्लेम इट, वापस यही सिस्टम कर रहे हैं। तो अब हम इसको आपको फोटो डायग्राम से समझाते हैं। तो आपका जो सॉलिड कचरा यानी कि ह्यूमन फीकल मैटर जो आ रहा है, उसको एक बेड में ले जाया जाता है हीटर के दरमियान। अब वो हीटर से उससे पानी इवेपोरेट कर देते हैं। यहाँ पे समझिए आपको डिस्टिल वाटर मिलने वाला है, इससे ज़्यादा प्योर वाटर आपको नहीं मिल सकता, आपको 100% डिस्टिल वाटर
वाटर मिल रहा है। तो ये जो आपका सॉलिड आ रहा है, मतलब आप समझिए सेप्टिक टैंक से आ रहा है या सुवेज प्लांट से आ रहा है, वो सब जो आ रहा है उसको ड्राई कर रहे हैं, तो उससे पानी निकल जा रहा है, तो वो पानी जो है उसको कलेक्ट कर रहे हैं और एक फिल्टर, और ये फिल्टर कुछ खास नहीं है, फिल्टर बस ऐसा है कि कुछ सॉलिड चीज़ नहीं आ जाए, क्योंकि समझिए आप किसी को गर्म करते हैं तो हल्के हल्के पार्टिकल भी उठ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक सिंपल सा फिल्टर, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, एकदम सिंपल फिल्टर, भैया बस गैस आर पार जा सके, सॉलिड नहीं जा पाए, ठीक है। उसके बाद इसे एक कंडेंसर में हम लोग ठंडा कर ले रहे हैं, ठीक है भैया यहाँ पे तुम ठंडा हो जाओ, और ये आपका पानी निकल जा रहा है। फिर इसको मतलब ट्रीट किया जाता है, तो ट्रीट क्यों कर रहे हैं जब पानी परफेक्ट प्योर है? यही प्रॉब्लम है कि पानी परफेक्टली प्योर है, पानी में थोड़ा सा कुछ होना चाहिए, थोड़ा सा सॉल्ट होना चाहिए, थोड़ा सा कैल्शियम होना चाहिए, थोड़ा सा कुछ होना चाहिए पानी में, कभी आपको डिस्टिल्ड वाटर लॉन्ग टर्म के लिए आप नहीं पी सकते, तो वो हो गया पानी। तो अब कर क्या रखे, जो आपका वेस्ट आया था, जनरली हमारे फीसेस जो है बर्नेबल होते हैं, उसे आप बर्न कर सकते हैं, उसमें बहुत हाइड्रोकार्बन होता है, तो इसे सुखा लिया। अब सुखा के इसे एक बर्नर में डाल रहे हैं, यहाँ बर्नर में बहुत हाई टेम्परेचर में इसे जला रहे हैं, बहुत हाई ऐसा नहीं कि 2-3 हज़ार डिग्री से हो, लेकिन 100-150 पे नहीं जला रहे, इसको काफ़ी हाई अच्छे से जलाया जा रहा है। अब इससे जो गर्मी पैदा हो रही है, उस गर्मी से ये स्टीम को बॉइल कर रहे हैं, स्टीम से जो अभी समझिए आपके पास हाई टेम्परेचर स्टीम है और हाई प्रेशर है, उससे एक स्टीम इंजन चलाए, स्टीम इंजन से जनरेटर चला, जनरेटर से बिजली बन गया, और जो स्टीम निकला अभी भी वो स्टीम ही है, मतलब उसका प्रेशर कम हो गया है लेकिन उसका टेम्परेचर ठंडा नहीं हुआ है, वो मतलब स्टीम जनरेटर के बाद अगर जो स्टीम निकलता है वो ठंडा नहीं रहता है, तो उसको लेके वापस ये लोग हीटर में डाल दे रहे हैं। यही है प्रोसेस जो मैंने आपको बोला, ड्राई इट, आप सुखाए तो पहले आप सुखाने के लिए बाहर से बिजली लोगे, लेकिन जब आपका प्लांट चलने लगेगा तो ये बिजली बाहर से नहीं लेगा, ये खुद ब खुद प्रोड्यूस करने लगेगा। तो आपने गर्मी बनाया, गर्मी से पानी अलग हो गया, पानी अलग कर लिए, और आराम से आपका बॉयलर का जो सिस्टम था वो आराम से आपका काम करते रहेगा। तो समझिए, कचरा आया, कचरा से पानी अलग कर लिए, पानी को ले लिया, अब कचरा को जलाए, उससे जो एनर्जी मिला उस एनर्जी से आप दो काम कर रहे हैं, पहला काम कर रहे हैं आप उससे स्टीम बना रहे हैं और उससे आप इलेक्ट्रिसिटी निकाल रहे हैं, तो पहला तो वो हो गया, दूसरा उसका जो रिजेक्ट है मतलब जो स्टीम जनरेटर से बाहर है वो रिजेक्ट का ही इस्तेमाल करके आप वापस ड्राई कर रहे हैं, तो इसीलिए ये नेट पॉजिटिव है। तो यानी कि मतलब आपको पानी मिलेगा, आपको मतलब बिजली मिलेगा और आपको एक ऐश मिलेगा, जो मतलब ये बर्नर जो है काफ़ी अच्छा बर्न करने की कोशिश करता है लेकिन 100% कोई चीज़ नहीं होता, तो ऐश निकलता है, और वो ऐश का सारा टेस्टिंग किया गया, वो काफ़ी अच्छा बिल्डिंग मटेरियल, जैसे आप देखते हो ना जैसे फ्लाई ऐश जो कि मतलब कोल पावर प्लांट से निकलता है फ्लाई ऐश, उससे अच्छे अच्छे मतलब ब्रिक बनाया जा सकता है, तो वैसा ही इसके साथ भी किया जा सकता है। तो समझिए आपके पास तीन चीज़ निकल रहा है, ऐश को आप सस्ते में बेच सकते हो, पानी आप बहुत महंगे में बेच सकते हो, प्लस बिजली जो निकल रहा है वो नॉर्मल रेट में जाएगा, तो समझिए तीन पॉइंट ऑफ आपका, और चूंकि पानी में ज्यादा हुआ आप कर ही नहीं रहे, मतलब सीधे कंटामिनेटेड पानी है उसको इवेपोरेट कर दे रहे हो, कुछ सोचना ही नहीं है आपको, तो इसी कारण से ये प्लांट जो है काफी सिंपल है, ओमनी प्रेजेंट इसीलिए इसका नाम दिया गया है कि कुछ करना ही नहीं है, मतलब क्या कचरा आ रहा है आपको उससे लेना देना नहीं है, हाँ जब तक बायोलॉजिकल मैटर है, ये ऐसा नहीं बनाया गया कि इसमें आप इंडस्ट्रियल वेस्ट डाल दो या इसमें आप मतलब समझिए लेड का कार का लेड एसिड बैटरी डाल दीजिए, ये सब के लिए नहीं है, लेकिन ह्यूमन वेस्टेज के लिए मतलब नॉर्मल स्वेज जो है उसको ये आराम से संभाल जाएगा, चाहे वो यूरिन हो चाहे वो ह्यूमन पूप हो, उसको कोई लेना देना नहीं है। और बिल गेट्स प्रूफ कर चुके हैं, मतलब ये जैसे लोग कहते हैं ना कि बोलने का तो कोई भी कुछ बोल देता, पैसा रखो, ये तो उल्टा किया, मतलब पैसा रख के दिखा दिया उसके बाद अपना मुंह भी लगा दिए, तो मतलब पानी जो निकल रहा है वो 100% डिस्टिल है, उसको ऑब्वियसली ट्रीट करेंगे, डिस्टिल वाटर आपको नहीं दिया जाता है पीने के लिए, तो यही कर रहा है कि कचरा को सुखाए, सुखा के जो पानी निकला उसको बाहर बेच दिए, और सुखाने के लिए जो एनर्जी चाहिए था वो एनर्जी इसको जला के निकाल रहे थे, और ये जनरली सरप्लस ही रहता है, तो सरप्लस का इस्तेमाल करके या तो आप बिजली निकाल लो और स्टीम से सुखा लो, तो ये साइकिल जो है पूरा जब तक कचरा आएगा चलता रहेगा। तो ये बहुत सिंपल है, आप देख सकते हैं एकदम सिंपल आइडिया। तो हकीकत क्या है, ये 3-4 साल पहले इंटरनेट पर खूब छा गया था, मैंने नीचे वीडियो दे दिया जो देश में लगाया गया है वहाँ पे देख सकते हैं, मतलब ये ऐसा चीज़ नहीं है कि बस लैब में काम किया, ये देश में लगा के सक्सेसफुली ऑपरेट किया जा चुका है, ये 3-4 साल से हो रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है, ये समझिए ये बहुत सस्ता नहीं है, मतलब मैंने इसका कंपनी का भी मैं नीचे लिंक दे देता हूँ, जो कंपनी है ओमनी प्रोसेसर बेच रही है, काफ़ी महंगा चीज़ है, $100 मिलियन तक मांगते हैं वो लोग, तो मतलब $100 मिलियन आपको लगेगा बहुत ज़्यादा है, बात सही भी या नहीं भी सही है, क्योंकि $100 मिलियन है, गलत इसलिए है क्योंकि अगर आप सुवेज ट्रीटमेंट का जो नॉर्मल प्लांट है वो सब बोलता है 500-600 मिलियन तक चला जाता है, तो कंपेयर टू दैट ये तो बहुत अच्छा है, और प्लस ये प्रॉफिट देगा, तो और यहाँ पे अब ये बात है कि प्रॉफिट जो ये दे रहा है बहुत ज़्यादा नहीं दे रहा है, इसे आप वाटर ट्रीटमेंट की तरफ मत देखिए,
ये आपका मेन है कि वो स्विच को हैंडलेबल करते रहे कि ठीक है आपका ग्राउंड वाटर पोल्यूट नहीं होगा, आपके लोगों को मतलब इबोला का उपद्रव नहीं होगा आपको, मतलब समझिए ये मैनेजमेंट है और ये मैनेजमेंट से ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज़ निकल जा रहा है कि भैया जो पानी वहाँ वेस्ट हो जाएगा, जो कि काफ़ी होता है, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ पानी आपको नहीं मिलता है, बहुत पानी मिलेगा। 100 से 200 लीटर का ये लोग का टारगेट है, 100 मतलब प्लांट का मैंने नीचे PDF ही दे देता हूँ, आप आराम से पढ़ लीजिए, वो पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कुछ रिटर्न नहीं हो रहा, लेकिन बहुत नहीं है, मतलब 100-200 किलोवाट का जो इनका मतलब आउटपुट है वो आउटपुट इतना नहीं है कि आपका बिजली बिल मतलब $100 मिलियन का आ जाएगा। तो समझिए ये प्रॉफिट तो दे रहा है, मतलब रनिंग कॉस्ट आपका शायद जीरो हो सकता है, लेकिन अभी भी बहुत महंगा है। और वो मेन महंगा होने के कारण क्योंकि ये स्टीम पे चल रहे हैं, तो जनरली अगर बायो डाइजेस्टर का इस्तेमाल किया जाता तो वहाँ मीथेन का काम होता, तो वहाँ आपको फर्टिलाइजर मिलता, ऐश नहीं मिलता और आपका पानी रिकवर नहीं हो पाता, लेकिन आपको बायोगैस जो मिलता उसे नॉर्मल जनरेटर में डाल के सस्ते में निपटा सकते हैं, तो वहाँ पानी का लॉस होता है, तो ये सिस्टम में पानी का लॉस नहीं हो रहा है। तो आप समझिए बैलेंस करना होगा कि आप अगर चाहते हैं कि यही सबसे बढ़िया है तो इसका समझिए फ़ायदा और नुकसान है कि भैया आपको ठीक है पानी आपको मिल जा रहा है, आपको बिजली मिल जा रहा है, लेकिन आपका फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा है। आप बायोगैस का सिस्टम चाहते हैं, जो मेरा पिछला एपिसोड था, वहाँ पे आपको फर्टिलाइजर मिलेगा और बिजली मिलेगा लेकिन पानी नहीं मिलेगा। तो समझिए यहाँ पे आपको, इसीलिए ये हर कोई हर इसके पीछे नहीं भाग रहा, जहाँ मान लीजिए पानी बहुत है मतलब या सफिशिएंट है तो वहाँ इसके इसके जगह पे बायोडाइजेस्टर का इस्तेमाल करें, क्योंकि कंपेयर टू दिस बायोडाइजेस्टर सिंपल पड़ता है। हाँ फजीयत है, जगह ज़्यादा खाता है और बहुत सारा हुआ है, लेकिन मतलब चूँकि वहाँ पे फर्टिलाइज़र का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा इसलिए वहाँ वो उसका करते हैं, यहाँ इनको मतलब वाटर स्टार्व्ड एरिया में डाला जा रहा है तो वहाँ पानी का वैल्यू ज़्यादा है, तो इसलिए ये वाला सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। तो यही है इसका हकीकत, क्योंकि हो चुका है 3-4 साल पहले से हो गया है, प्लांट बनाया गया है, कंपनी इसको बेच रहा है, और मतलब कोई भी इसमें होक्स नहीं है, मैजिक नहीं है, काम करता है, बस बहुत सस्ता नहीं है। मतलब अगर इसका दाम कुछ मिलियन के अंदर उतार दिए, मतलब 100 मिलियन से कुछ मिलियन के अंदर उतार दिए, मतलब सिंगल डिजिट में आ गए, तब तो हर जगह लग जाएगा, तब तो, क्योंकि इसका एक प्लांट समझिए मुंबई का अगर स्लम एरिया को आप देखते हैं तो कुछ ही प्लांट मतलब पूरा मुंबई का स्लम एरिया का स्विच संभाल लेगा, कि मतलब भाई ठीक है टेंशन मतलब, हाँ ऐसा नहीं है कि उनका पानी का समस्या पूरा कर देगा, लेकिन एटलीस्ट उनसे मतलब वहाँ जो हर दूसरे तीसरे दिन कॉलरा आउटब्रेक होता है और लोगों का तबियत खराब होते रहता है, वो सब नहीं होगा कि ठीक है भैया आपका मतलब ये कचरा निकल रहा है उसको हम संभाल ले रहे हैं, और अगर सब चीज़ ठीक से चला तो मतलब प्रॉफिट में रहेंगे, तो मतलब कचरा संभालना मेरे को फ़ायदेमंद है, तो करप्शन का टेंशन नहीं रहेगा। तो हकीकत में अभी ये थोड़ा सा इसका दाम अगर कोई घटा ले तो ये चलेगा, लेकिन ये एक अच्छा औजार आ गया वाटर ट्रीटमेंट के मामले में। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन ओमनी प्रोसेस के बारे में, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, अगर नहीं अच्छा लगा है नहीं पसंद आया कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाइए, उससे मुझे पता चलेगा आपको इतना नापसंद हुआ है, और आप कमेंट लिखिए क्योंकि मैं हर कमेंट के जवाब देता हूँ। मैं आपसे कहूँगा कि सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पर, पिछले कई सारे वीडियो लगे चुके हैं उसको आप देखना चाहेंगे, और अगर आप फ्री हैं तो बेल दबा दीजिए, आपने मेरा वीडियो देखा है जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।